मॉर्निंग नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप? उम्मीद है मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं सितारों के अहवाल। आज आप जान सकेंगे कि आपके सितारों के हवाले से जो है वो आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर जुमोलॉजर अली तबस्सुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का बहुत शुक्र है। सबाहत वो परवरदिगार जो खुशियाँ देता है और रिस्क देता है, सेहत देता है, तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन आप उस वक्त बना सकते हैं जब आप दूसरों को खुशियाँ देते हैं। परेशान मत हो, क्योंकि परेशानी से आपका जो भी कल का मसला है वो टल नहीं सकता। मे बी पॉसिबल उसमें कुछ रुकावटें जो लोग पैदा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो टाल भी सकता है। लेकिन आप कल की परेशानी की वजह से अपने आज का दिन बेसकून मत करें। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कल तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि आज जो है इंसान वो कल की फिक्र में लगा रहता है। तो जब कल आ जाता है तो फिर आप दोबारा कल की फिक्र में होते हैं। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको एंजॉय करना सीखें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं या अच्छी बहुत बातें हैं, जब अच्छा हो रहा हो तब भी अल्लाह का शुक्र करें, और जब आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई जो है वो बुरा टाइम भी आता है इंसान पर, अच्छा टाइम भी आता है, तो दोनों सूरतों में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक जगह नसीहत है तो दूसरी जगह ये कि अल्लाह ताला आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की अपने जो है वो ही शाज इज़ ब्लेसिंग ऑन यू। तो तमाम चीज़ों को जो है वो आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेंगे आपकी कॉल्स और मैसेजेस भी, और बात करेंगे कि आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टार से जो कि है एरीज फायर साइन पर्सनालिटी, और जानते हैं कि आज का दिन एरीज के लिए कैसा गुजरेगा। जी वेल, एरीज से स्टार्ट करते हैं। फायर साइन पर्सनालिटी जिसे मुरीख बुरछमल कहते हैं, इनका जोडिक साइन मार्स, लकी नंबर इनका 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे है। अगर हम इनकी प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं तो इनका फर्स्ट एंड 9th हाउस बहुत जबरदस्त है। पर्सनालिटी पॉपुलैरिटी, द हाउस ऑफ एजुकेशन तालीम का घर, और द हाउस ऑफ लाइफ 2018 एरीज के लिए अच्छा रहेगा। पर्सनैलिटी के वाले से, पॉपुलैरिटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इस वक्त जो भी प्लानिंग है तालीम के हवाले से, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वो ट्रैवलिंग तालीम के हवाले से या कोई जॉब के हवाले से, तो 2018 का फर्स्ट क्वार्टर पर्सनैलिटी का क्वार्टर है। सेकेंड द हाउस ऑफ एजुकेशन तालीम का, एंड थर्ड क्वार्टर इनकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। फायर साइन पर्सनैलिटी सैजिटेरियस एंड लियो से इनको काफ़ी फायदा हो रहा है। एडवाइस दे सकते हैं कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस से। अर्थ साइन एंड वाटर साइन पर्सनैलिटी इनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, अपने कामों में आसानी लेके आ सकते हैं पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न से एडवाइस लेकर। फायर साइन पर्सनैलिटी एरीज, रेड चीज़ का सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। सुर्ख याकूत के साथ जो कि इनका बर्थ स्टोन है, अगर ये छोटा सा इस वक्त रेड अकीक भी पहन लेते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। ज़्यादा ज़्यादा सूर्य वल असर, सूर्य फील, सूर्य कुरेश, सूर्य फलक की कंटिन्यूसली तिलावत करना एरीज के लिए बायसे बरकत होगा। जबरदस्त जनाब, और ये भी बताती चलूँ कि आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्टार ऑफ द डे आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे शो से पहले जो है वो थोड़ा सा पता चला है कि कुछ ऐसे स्टार्स की माशाल्लाह पोजिशन बहुत अच्छी है बैक टू बैक, कि अगर हम ये कहें कि जी 19-20 के फ़र्क से जो है वो सेकेंड या थर्ड हुए हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो आपको आज बताना है कि कौन से ऐसे 3 स्टार्स हैं कि जिनकी पोजिशन रेस्ट ऑफ द होरोस्कोप जो भी है 12 सितारों से बेहतर है। हमारे साथ कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शाजिया मलिक बात कर रही हूँ कराची से। शाजिया मलिक साहब बात कर रही हैं कराची से। जी शाजिया, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी एक्चुअली। तो मुझे जॉब नहीं मिल रही काफी टाइम से, 3 मंथ्स हो गए, मैं इस वजह से भी बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ फाइनेंशियली। सही। एंड कुछ प्रपोजल्स भी आए मैं शादी के लिए, लेकिन आते बड़े अच्छे प्रपोजल्स हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही कहीं एंड पे। जैसे इनकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है मेरी। अच्छा जी, ठीक है। आप अपनी वालदा का नाम बताएं। मरियम। मरियम, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 19 June 1990। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू, अल्लाह जी। शाजिया मलिक, शी जेमिनी, बुर्जोदा से बिलोंग कर रही हैं हमारी ये सिस्टर। इनका जोडिक साइन मर्क्यूरी, लकी नंबर 5 एंड वेनसडे इनका लकी डे है। प्लैनेट की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है। तो जो भी आपने सब्र किया है या सब्र के साथ अपना जो भी आपने टाइम गुजारा है उसका रिटर्न अल्लाह ताला आपको दे रहा है। 2018 के मिड में जून के बाद की टाइमिंग शाजिया आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 7th हाउस की पोजीशन आपकी अच्छी होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंशाल्लाह मई जून में आपके अच्छे प्रपोजल आएंगे। वो स्टार जो आपके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं उसमें नंबर 1 लिब्रा, 2nd एक्वेरियस एंड 3rd जेमिनी, ये 3 एयर साइन पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर प्रपोजल आते हैं तो ये आपके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। लक हाउस बहुत ज़बरदस्त है। जॉब के हवाले से भी गुड न्यूज़ है। 28 अप्रैल या फिर
25 मार्च, ये टाइमिंग आपकी अच्छी टाइमिंग है, इसमें आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, अच्छी जगह से ऑफर आ सकती है। अगर आप कोई इंडोर या आउटडोर बिजनेस करने के इरादा रखती हैं तो 10th हाउस की पोजीशन भी ज़बरदस्त है, बिजनेस करना कारोबार करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रीन चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। और नेक्स्ट आपका बर्थ स्टोन है, इसके साथ छोटा सा रूबी पहनना आपके लिए स्पेसिफिकली मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुबारक साबित होगा। सूर्य नूर, सूर्य निसा, सूर्य यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए बाय से बरकत होगा। जबरदस्त जनाब, अब चलेंगे और जानेंगे कि कौन है फर्स्ट स्टार ऑफ द डे आज। जी थैंक यू। फर्स्ट स्टार ऑफ द डे वाटर साइन पर्सनैलिटी, जबरदस्त, मेरे फेवरेट कैंसेरियन, जिसे हम कमर बुज सरतान कहते हैं। इनका रूलिंग प्लेनेट मून लकी नंबर 2 एंड मंडे इनका लकी डे है। बहुत जबरदस्त इनके हाउस की पोजीशन है, लक हाउस, लाइफ हाउस, 9th हाउस 7th हाउस, जबरदस्त। 2018 इनके लिए बहुत ज्यादा खुशियों का साल होगा, पर्सनल विशेष पूरी हो रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रहे हैं, अच्छे प्रपोजल इनके आ सकते हैं, पाइसिस इनके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये वाटर साइन पर्सनैलिटी के साथ सफर करना, इनसे एडवाइस लेना, इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना, नंबर 1। सेकंड स्कॉर्पियन, ये भी इनको काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। जबरदस्त पोजीशन है मून साइन की, क्योंकि जब आप राइट टाइम पर राइट आप डिसीजन लेते हैं तो यकीनन आप कामयाबी हासिल करते हैं। 7th हाउस की पोजीशन भी जबरदस्त है, अच्छे प्रपोजल आपके आ रहे हैं। पर्सनल विश के हवाले से अगर आप किसी खास जगह प्रपोजल भेजने का इरादा रखते हैं, या लाइकिंग मोहब्बत चाहत के हवाले से कोई प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन पाइसिस से आप एडवाइस ले सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रपोजल किसी जगह भेजने का इरादा रखते हैं। वाटर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग करने वाले लोग बड़े ज़बरदस्त कैंसेरियन, वाइट चीज़ का सदका देना इनके लिए इस वक्त बहुत मुबारक रहेगा। मूनस्टोन या फिर पर्ल, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करें इनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। सूर्य वल कमर, सूर्य वल शम्स, सूर्य रहमान की तिलावत करना इनके लिए बाय से बरकत होगा। जबरदस्त जनाब, अब चलेंगे मैसेज की जानिब। ये कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इनका नाम है आसिया और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20th of October 1986 और इनकी वालदा का नाम है अजरा निसार। ये कह रही है कि मुझे अपनी एजुकेशन और जॉब के एजुकेशन जॉब और मैरिज के बारे में पूछना है, और ये भी कि लकी स्टोन भी बता दें। माशाल्लाह से तमाम क्वेश्चन इन्होंने कर दिए, तो कटिंग इन शॉर्ट इनके 3 बेसिक क्वेश्चन हैं। शी वांट्स टू नो हर लकी स्टोन एज वेल। जी आसिया, शी इज लिब्रा, जिसे हम जोहरा बुर्ज मैदान कहते हैं। इनका जोडिक साइन वीनस, लकी नंबर इनका 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे है। वेल, 9th हाउस की पोजीशन अच्छी है, लक हाउस इनका अच्छा है, अनफॉर्चुनेटली 3rd हाउस की पोजीशन वीक है। एजुकेशन के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता कि आप बड़ी कोई नुमाया कामयाबी हासिल कर सकती हैं या आला तालीम हासिल कर सकती हैं। अलबत्त जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, पॉपुलरिटी के हवाले से ये साल आपके लिए अच्छा इंशाल्लाह साबित होगा। फरवरी 19 फेब के बाद की टाइमिंग आपके लिए अच्छी बन रही है आसिया, अच्छे प्रपोजल आपके आ रहे हैं। जॉब के हवाले से गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एजुकेशन के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि बस आप बहुत, अगर आपकी कोई विश है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपको करनी होगी, जब आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन मैं अनकरीबी आपके प्रपोजल शादी के हवाले से देख रहा हूँ खुशियाँ आपको हासिल करते हुए। अब वो स्टार जो आपके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, जो आपको ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट, आपके मिजाज को, आपके माइंड को समझ सकते हैं, तो उसमें एयर साइन प्रेसिडेंट में जेमिनी एंड सेकंड इक्वेरीज, इनसे आपकी बन सकती है। व्हाइट चीज़ का सदका बेस्ट रहेगा आपके लिए, ओपल एंड पर्ल, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। सूर्य कौसर, सूर्य खलास, आयतुल कुर्सी की तिलावत करना आपके लिए कंटिन्यूसली बाय से बरकत होगा। जबरदस्त जी, और हम भी ये दुआ करेंगे कि जो भी जिसकी प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम सॉल्व हो। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अब चलकर जानते हैं टॉरस जो कि है अर्थ साइन पर्सनैलिटी, कि उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा। जी टॉरियन, जिसे हम जोहरा बुज सौर कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, वेल प्लेनेटरी पोजीशन इनकी भी अच्छी है, 9th हाउस एंड लक हाउस इनका अच्छा है। जो भी इनकी पर्सनल विश थी 2016-17 में इनकम्प्लीट रही, स्ट्रगल करते रहे, हेल्प ली, यकीनन अच्छे दोस्तों ने इनकी हेल्प भी की होगी। बाज़ुकात आपकी वो टाइमिंग अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी की नहीं लिखी होती, आपने स्ट्रगल करते रहना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपने करनी होती है, उसके बावजूद भी अगर आपको रिटर्न नहीं मिलता तो इसमें कोई अल्लाह की मसलियत होती है। बेस्ट टाइम आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर में बन रहा है, और कुछ अच्छे दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 कैप्रिकॉन एंड 2nd वर्गो, ये हर साइन पर्सनैलिटी आपके काम आ रही है, इनसे एडवाइस लेना बिजनेस के वाले से, मैरिज के वाले से टॉरियन के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। ग्रीन चीज़ों का सदका देना बेस्ट रहेगा। एमरल्ड इनका बर्थ स्टोन है, इस वक्त एमरल्ड के साथ छोटा सा ब्लैक एकीक पहनना भी बहुत ही मुफीद साबित होगा। सूर्य वाक्या की कंटिन्यूसली तिलावत करना आपके लिए बाय से बरकत होगा। ठीक है जनाब, कॉलर भी हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं?
ارسلان احمد بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے ارسلان احمد, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مظفر گڑھ سے. مظفر گڑھ سے, مظفر گڑھ سے بات کر رہے ہیں ارسلان جی. ارسلان کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں نے پوچھنا ہے کہ میری اکثر طبیعت خراب رہتی ہے, تو اس سلسلے میں مجھے کوئی سٹون یا وغیرہ بتا دیں. اور یہ کتنے عرصے سے؟ میں نے بہت علاج کروایا ہے, تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, سیٹ نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے جی, بالکل. اپنی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام شریفہ بیبی. شریفہ بیبی آپ کی والدہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ 20 جنوری. 20th of January 84. 1984. ٹھیک ہے جی. جی تھینک یو فار کالنگ, اللہ حافظ. جی ارسلان, ہی از کیپریکون, بالکل اینڈ کے کیپریکون ہے, اور اسٹارٹنگ کے اکویریس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. دونوں اسٹار کی خصوصیات آپ کے اندر یقیناً پائی جاتی ہوں گی. اویل, اگر ہم آپ کے زائچے کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو 6th ہاؤس لاسٹ بار 2-3 ایئرس سے پرابلم میں چل رہا ہے, سیٹرن پرابلم کریٹ کر رہا ہے 6th ہاؤس میں. سیٹرن کی موجودگی 6th ہاؤس میں آپ کو ہیلتھ ایشوز کا پرابلم کا سامنا کرنا پھر پڑتا ہے. فزیکلی طور پہ آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, آپ کا کام میں دل نہیں لگتا, فزیکلی طور پہ بہت زیادہ ٹائرڈ ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ کچھ ایسے سمپٹمس ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ آگے پھر کامیابیوں کو حاصل نہیں کر پاتے. بلیک چیز کا صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا اس وقت ارسلان. برتھ اسٹون آپ کا بلو سفائر ہے, بلو سفائر کے ساتھ چھوٹا سا بلیک کیک پہننا آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین, سورہ رحمان کی تلاوت کرنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا انشاءاللہ. 2018 کے فرسٹ کوارٹر کے بعد, اپریل مارچ کے بعد کی ٹائمنگ آپ کے لیے اچھی میں دیکھ رہا ہوں. اچھی لائف گزاریں گے, تندرست لائف گزاریں گے. جو بھی اس وقت ذہن پر ٹینشن ہے, سٹریس میں ہے ڈیزیز کے حوالے سے, تو اس سچویشن سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور اب چل کے جانیں گے کہ کون سا ہے وہ ستارہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکنڈ سٹار آف دا ڈے ہے. جی ویل, سیکنڈ سٹار آف دا ڈے ورگو, جسے متعارض برج سملا کہتے ہیں, زوڈیک سائن مرکری کہہ سکتا ہوں, بلکہ جیمنائی اینڈ ورگو ایک ساتھ, ہم دونوں کو ایک ساتھ سیکنڈ سٹار آف دا ڈے کہیں گے, کیونکہ دونوں کی پلانیٹری پوزیشن بہت ہی اسٹرانگ ہے. ان کا لک ہاؤس بہت زبردست ہے, دا ہاؤس آف لائف, آٹھواں گھر جسے ہم زندگی کا دا ہاؤس آف لائف کہتے ہیں, بہت ہی زبردست ہے. خوشیاں ان کی زندگی میں آ رہی ہیں, جو بھی ان کی خوشیاں کسی نے روک دی تھی, ہڈن ہینڈ جو پرابلم کریٹ کرتے رہے 2017 میں, وہ چیزیں ان کی ریورس ہو رہی ہیں نیچرلی طور پہ. لک ہاؤس بہت زبردست ہے. 7th ہاؤس کی پوزیشن ونڈرفل, پائسیس لبرا اینڈ اکویری سے ان کو کافی فائدہ ہو رہا ہے. بزنس کا ہاؤس بھی بہت اسٹرانگ ہے. ٹریولنگ دیکھ رہا ہوں 2018 کا تھرڈ یا پھر فورتھ کوارٹر, روحانی سفر کے حوالے سے ان کے لیے بہت ہی مبارک رہے گا. ویل, گرین چیز کا صدقہ دینا ان کے لیے بہت مبارک رہے گا. گرین یا پھر یلو, دو صدقے دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جیمنائی کا صدقہ بھی آ جائے گا اور ورگو کا بھی. ورگو کے لیے اسٹون سجیسٹ کروں گا یلو سفائر یا پھر گولڈن ٹوپاس. زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص, سورہ فلک کی تلاوت کرنا ان کے لیے باعث برکت ہوگا. زبردست کہوں گی میں, زبردست ہو گیا تھا. بہرحال کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسے سٹارز ہیں دو, مطلب سائملٹینیسی اکٹھے اکٹھے جو ہیں وہ سیکنڈ سیم پلانیٹری پوزیشن, مطلب آج اگر یہ کہا جائے کہ 4 ایسے ستارے ہیں آؤٹ آف 12 کہ جن کی بہترین پوزیشن ہے, تو غلط نہیں ہوگا. تو تھرڈ سٹار آف دا ڈے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرواتے ہیں, اس سے پہلے ہم ریڈ کریں گے ایک میسج بھی. تو یہ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کا نام ہے محمد رحیم, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 4th of May 1992, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ tell me about my marriage and my lucky stone. جی محمد رحیم, my dear brother, you belongs to a Tauri, بجھ سور سے بلانگ کر رہے ہیں. آپ کا زوڈک سائن وینس, لکی نمبر آپ کا 6 اینڈ فرائیڈے آپ کا لکی ڈے ہے. اگر ہم آپ کے زائچے کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو آپ کا دا ہاؤس آف لائف, دا ہاؤس آف پاپولیرٹی, دا ہاؤس آف لک بہت زبردست ہے. یہاں پر 2018 آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کے آ رہا ہے. آپ کے جو بھی بنتے بنتے کام رک رہے تھے, خوشیوں میں کامیابیوں میں جو بھی ہرڈلز آ رہی تھی, یا کوئی پرسنل پرابلم کریٹ کر رہا تھا یقیناً, تو وہ چیزیں آپ کی بن رہی ہیں دوبارہ. مئی جون جولائی اگست کے مہینے آپ کے لیے بڑے ٹاپ کے مہینے ہوں گے. جو بھی آپ کی پرسنل وش ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ہو رہی ہے. گرین چیزوں کا زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا آپ کے لیے بہت باعث برکت ہوگا. گرین ایمرلڈ کے ساتھ اگر آپ چھوٹا سا یمنی کیک بھی پہن لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ بھی سورہ آل عمران, سورہ بقرہ کی کنٹینیوسلی تلاوت کرنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. ٹھیک ہے جناب, اب چل کے جانتے ہیں لیوز جو کہ ہے فائر سائن پرسنالٹی کے, آج کا ان کا دن کیسا گزرے گا. جی فائر سائن پرسنالٹی لیوز, جسے ہم شمس برج اسد کہتے ہیں, ان کا زوڈک سائن سن لکی نمبر 1 اینڈ سنڈے ان کا لکی ڈے ہے.
बहुत ज़बरदस्त इनका लक हाउस है, 80% इनके लक हाउस की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2018 बिजनेस का साल होगा और फाइनेंशियल तौर पे बहुत ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ रहे हैं बहुत जल्द, 22nd या फिर 25th फेब तक ये बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ इनको नेचुरली तौर पे मिल रहे हैं। रूहानी कुवतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। फायर साइन पर्सनैलिटी में एरीज एंड सैजिटेरियस, इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इनसे बिजनेस पार्टनरशिप करना, इनसे एडवाइस लेना, बल्कि ये इनके अच्छे लाइफ पार्टनर भी साबित हो सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशन लक हाउस के अलावा 9th हाउस इनका ज़बरदस्त है, पॉपुलैरिटी शोहरत कामयाबी हासिल कर रहे हैं। रेड चीज़ का सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा, गोल्डन टोपास या फिर रेड एकीक पहनना 22 से बरकत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य व शम्स सूर्य रहमान की तिलावत करना इनके लिए 22 से बरकत होगा। ठीक है जनाब, इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद मैं बताऊंगी आपको, बल्कि अली तबस्सुम साहब बताएंगे आपको कि थर्ड स्टार ऑफ द डे कौन है। वेलकम बैक नाजरीन, आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेक से वापस आने के बाद बताएंगे आपको कि थर्ड स्टार ऑफ द डे कौन है। तो जनाब कौन है थर्ड स्टार ऑफ द डे? थर्ड स्टार ऑफ द डे एयर साइन पर्सनैलिटी इक्वेरियस, जिसे हम जोहल बुर्ज दिलो कहते हैं, जबरदस्त वंडरफुल इनकी प्लेनेटरी पोजीशन लक हाउस, थर्ड हाउस एंड सिक्स हाउस, सेहत का घर भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। ज़िंदगी के बाद हदीस में है कि सेहत सेकंड बड़ी नेमत है, और यकीनन जो लोग सेहतमंद रहते हैं खुश रहते हैं तो वो अपने माशाल्लाह काम भी बड़ी दिल जमई से वो कर रहे होते हैं और खुशियां उनको रास आ रही होती हैं। सिक्स हाउस बहुत ज़बरदस्त है, इक्वेरियस खुशकिस्मत कहला रहे हैं क्योंकि सिक्स हाउस के साथ साथ द हाउस ऑफ लक किस्मत का, द हाउस ऑफ एजुकेशन तालीम का घर। जब आप तंदुरुस्त चौकस होते हैं तो यकीनन फिर आप अपनी किताब के साथ अपनी तालीम के साथ भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तालीम का हाउस बहुत ज़बरदस्त है, आला तालीम हासिल करने का अगर कुछ इरादा है, एब्रॉड सेटल होना चाहते हैं तो 2018 तालीम के अलावा जॉब बिजनेस सफ़र के वाले से भी आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। वाइट चीज़ों का सदका देना बहुत मुफीद रहेगा, दुर्रे नजफ या फिर एमिथिस दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा क्योंकि ये दोनों ही रूहानी स्टोन है और आपकी स्पिरिचुअल पावर में इजाफा करेंगे। सूरह अल नशरा सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए 22 से बरकत होगा। ठीक है जनाब, कॉलर भी हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है? शाहिद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। कौन बात कर रहे हैं? शाहिद बात कर रहा हूँ, शाहिद महमूद। शाहिद महमूद साहब बात कर रहे हैं हैदराबाद से। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे शाहिद? मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा था फोन करने की लेकिन नंबर मिल नहीं पाता, बड़ी मसरूफियात होती है आप लोगों की। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आज मेरी बात हो रही है आप लोगों से। अरे जी शुक्रिया के जी आपने कॉल की जी, आपका प्रॉब्लम क्या है, सवाल क्या है? मुझे एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा परेशान हूँ, मुझे अपने और अपने मिसेज के बारे में पूछना है। हमारी शादी को 4th साल है लेकिन अभी तक कोई मतलब अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी नहीं है, तो औलाद के हवाले से पूछना चाह रहा था। ठीक है जी, आप अपने अपनी वालदा का नाम बताएं। मेरी वालदा का नाम शीबा है। शीबा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28th जून 1988, ठीक है। और आपकी वाइफ का नाम? उनका नाम है सना। सॉरी दोबारा बताइएगा। उनका नाम सना है। सना, 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 ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? सना नाम है और उनकी 21st of August 1992, ठीक है। और उनकी वालदा का नाम? 25th of August, ठीक है जी। और उनकी वालदा का नाम अजरा। अजरा, ठीक है। एक तो औलाद के हवाले से, दूसरा उनकी सेहत भी पिछले कुछ 1-1.5 साल से काफी ज्यादा कमजोर हो रही है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी एक तो सेहत के हवाले से, दूसरा औलाद के हवाले से मैं जानना चाहूंगा। चलिए जी ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़ जी। शाहिद महमूद माय डियर ब्रदर, वेल बस अल्लाह की शान होती है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको की आजमाइश के हवाले से आपको इंतज़ार करवाया जाता है आपकी आजमाइश के हवाले से, और ये अल्लाह ताला को मैं समझता हूँ कि वो लोग बहुत पसंद होते हैं जो उनकी आजमाइश पर पूरा उतरते हैं। वेल प्लेनेटरी पोजीशन देखें आपकी, माशाल्लाह आज हमने स्टार ऑफ द डे एक्सप्लेन किया है मून साइन को, यू बिलोंग टू कैंसेरियन, कमर बुर्ज सरतान से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए आपका लक हाउस आपका बड़ा ज़बरदस्त है, द हाउस ऑफ लाइफ अच्छा है आपका, द हाउस ऑफ बिजनेस, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी। अब आप देखिए अनफॉर्चुनेटली द हाउस ऑफ चाइल्ड 5th हाउस आपका वीक है,
होता है ज़िंदगी के अंदर, कोई ना कोई कहते हैं ना कि इसमें चारों तरफ से ही बाज़ दफ़ा आपको कामयाबी नहीं मिल रही होती, कोई एक जगह से थोड़ा सा आपको सब्र और इंतज़ार अल्लाह ताला की तरफ से करना पड़ता है। तो यकीनन मेरा ईमान है अल्लाह ताला अपनी जब चाहे अपनी रहमत और जब चाहे अपनी नेमत से नवाज सकता है। लेकिन 2018 इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। 2018 का सेकेंड क्वार्टर आपके लिए मैं अच्छा बनते हुए देख रहा हूँ। नेचुरली तौर पर आपको ऐसी कुछ स्पिरिचुअल रूहानी कुव्वतें आपको सपोर्ट कर रही हैं। यकीनन अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत और अपनी नेमत से इसी साल इंशाल्लाह ज़रूर नवाजेगा और आपकी मिसिस के अल्लाह वो ज़रूर हरी करेगा। स्पेसिफिकली आपका मैं आपके लिए बर्थ स्टोन सजेस्ट करूँगा फिरोज़ा। आप अपने बर्थ स्टोन के साथ मून स्टोन या फिर पर्ल के साथ अगर आप फिरोज़ा पहनते हैं तो यकीनन इंशाल्लाह ये स्टोन आपको फिजिकली तौर पर फ़ायदा पहुँचाएगा औलाद के हवाले से। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सूरह मरियम, सूरह निसा, सूरह यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए बाय से बरकत होगा। आपकी वाइफ सना 25 अगस्त शी इज़ वर्गो सेकंड स्टार ऑफ द डे। वेल प्लैनेटरी पोजीशन देखिए दोनों की कितनी ज़बरदस्त है। अगर हम इनके जायचे की पोजीशन देखें तो इनका लक हाउस बहुत ज़बरदस्त है, इनके भी द हाउस ऑफ लाइफ की पोजीशन अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली फिफ्थ हाउस इनका भी वीक है। ये भी हमारी बहन अपने बर्थ स्टोन के साथ येलो टोपास या फिर येलो सफायर दोनों में से कोई भी एक स्टोन के साथ अगर ये संगे मरियम पहनती है तो इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ये भी हमारी सिस्टर सूर्य मरियम, सूर्य निसा, सूर्य नूर की कंटिन्यूसली तिलावत करें इंशाल्लाह 2018 का मिड आप दोनों के लिए इंशाल्लाह मैं अच्छा देख रहा हूँ। ठीक है जनाब, शामिल करेंगे एक मैसेज भी। इनका नाम है इमरान अली और इनकी वालदा का नाम है नज़ीर फातिमा और इनकी डेट ऑफ बर्थ ही बता रहे हैं 14 अगस्त 1995। स्टोन और अपनी नौकरी के बारे में पता करना चाहता हूँ। मैंने रेंजर्स का टेस्ट दिया, ये टेस्ट है या तो खैर टेस्ट दिया है, तो लेटर आएगा या नहीं जी। इमरान माय डियर ब्रदर, यू बिलोंग्स टू लियो जिसे हम शम्स बुज असद कहते हैं। आपका जोडिक साइन सन, लक नंबर 1 एंड संडे आपका लकी डे है। लक हाउस आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। जो भी आपने इसमें इंटरव्यू वगैरह दिया है यकीनन गुड न्यूज़ आपको मिल रही है नेक्स्ट 2-3 वीक के अंदर, मैक्सिमम 5 वीक एंड मिनिमम 3 वीक इन बिटवीन आपको इंशाल्लाह एक तो कंटिन्यूसली सदका आप देते रहें येलो कलर की चीज़ का, येलो सफ़ायर आपका बर्स्ट होने से छोटा सा यमनी की पहनना आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कौसर आयतुल कुर्सी की तिलावत करना आपके लिए बायस से बरकत होगा। ठीक है जनाब, अब जानते हैं लिब्रेरियंस जो कि है बुर्ज मीज़ान और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस के हवाले से काफ़ी मशहूर होते हैं, तो जानते हैं कि आज कन का दिन कैसा गुजरेगा जी। लिब्राज समझोरा बुर्ज मीज़ान कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, लग्न नंबर इनका 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे है। प्लैनेटरी पोजीशन इनकी भी माशाल्लाह 9th हाउस स्पेसिफिक इनका अच्छा है, लक हाउस एंड 10th हाउस 2017 में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसका रिटर्न इनको 2018 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में मिल रहा है। प्रॉपर्टी के वजह से गुड न्यूज़ इनको इनके लिए है। प्रॉपर्टी के में अगर कोई मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बल्कि वो फील्ड जो इनको 2018 में रास आ रही है उसमें ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, क्लॉथ, फ्रूट, रेस्टोरेंट, ये फील्ड इनके लिए अच्छी फील्ड साबित होंगी। जेमिनी एंड पाइसिस से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है 2018 में। उपल इनका बर्थ स्टोन है, वाइट चीज़ का सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। चारों कुल की तिलावत करना, सूर्य रहमान की तिलावत करना इनके लिए बायस से बरकत होगा। पाइसिस इनके किन हाउसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जेमिनी से इनको किन हाउसेस में सपोर्ट मिल सकती है? पाइसिस इनको लक हाउस एंड 10th हाउस में, बल्कि पाइसिस अगर ये एडवाइस लेते हैं तो बिजनेस में अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। जेमिनी 7th हाउस में, जेमिनी इनको अच्छे प्रपोजल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इनको अच्छे इनकी इनका लाइफ पार्टनर ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं और लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। वंडरफुल, जबरदस्त, बहुत ही इनके माशाल्लाह आपस में दोनों के स्टार मैच करते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है, और इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद हम ये बात जरूर करेंगे कि एयर साइन पर्सनालिटी में हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज कि एयर साइन पर्सनालिटीज में से इकट्ठे जो है एयर साइन एक्वेरियस हो गया, लिब्रेरियन हो गया और जेमिनी आपस में किन किन हाउसेज में एक दूसरे को कर रहे हैं सपोर्ट और गुफ्तगू रहेगी आपके सितारों के हवाले से। लेंगे आपके कॉल्स और मैसेजेस भी, तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहे सितारों के अहवाल। वेलकम बैक नाज़रीन, आ चुके हैं ब्रेक से वापस और जैसे कि मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन करेंगे अली तबसुम साहब से कि जान सकें कि एयर साइन पर्सनालिटीज़ में से वो जो अगर अब मैं बात करूं कि किनको वो सबसे ज़्यादा हाई पे देखते हैं कि जी पोजीशन वाइज जो सबसे बेहतरीन है और उनसे रेस्ट ऑफ द जो 2 हैं स्टार्स जो एयर साइन पर्सनालिटी उनको किन किन हाउसेज में सपोर्ट मिल रही है और जो बाकी वो सितारे हैं वो उस स्टार को किन हाउसेज में सपोर्ट कर रहे हैं।
वेल अगर हम एयर साइन में देखते हैं लिब्रा जेमिनाई एंड एक्वेरियस इनके आपस में स्टार एक तो मैच कर रहे हैं दोनों बल्कि तीनों एक दूसरे को फेवर दे सकते हैं। जेमिनाई लिब्रा को सेवंथ हाउस में बहुत ज़बरदस्त फेवर दे रहे हैं 2018 में। अगर लिब्रा जेमिनाई से एडवाइस लेते हैं किसी खास जगह प्रपोजल भेजने का इरादा रखते हैं या भेजना चाह रहे हैं तो जेमिनाई इनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं बल्कि कोई भी अच्छा प्रपोजल ढूंढने में इनकी हेल्प कर सकते हैं। इक्वेरियस इनको थर्ड हाउस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एजुकेशन के वाले से अगर इनकी कोई पर्सनल विषय प्लानिंग है आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इनको अच्छी मोटिवेशन एक्वेरियस दे सकते हैं थर्ड हाउस में। लिब्रा अगर लिब्रा से अगर ये सपोर्ट ले रहे हैं जेमिनाई तो हैरत अंगेज तौर पर लिब्रा भी जेमिनाई को लक हाउस इनका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इसके साथ साथ इनका पॉपुलैरिटी का और सेवंथ हाउस लिब्रा भी इनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर लिब्रा के लिए अच्छा है प्रपोजल के हवाले से जेमिनाई से एडवाइस ले सकते हैं जबकि सेकंड क्वार्टर के बाद की जो टाइमिंग है वो जेमिनाई के लिए बड़ी ज़बरदस्त है वो फिर लिब्रा से एडवाइस ले सकते हैं। ज़बरदस्त जनाब मतलब पता चल गया कि आपने क्या किस स्पेल ऑफ द ईयर में जो है आपने क्या करना है और क्या नहीं करना थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। हमारे पास कॉलर भी हैं जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ईमान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। ईमान बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। जी ईमान क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं अली भाई से पूछना चाहूंगी मैं काफी अरसे से बीमार चल रही हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा बीमारी है ना कोई तशखीस हो रही है ना कुछ हो रहा है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे जायचे में क्या आता है मुझे रेमेडीज बताएं और कोई स्टोन ऐसा बताएं कि जिससे इंशाल्लाह ताला मुझे शिफा मिले। ठीक है आप जो है वो अपनी वालदा का नाम बताएं। मेरी वालदा का नाम सुरैया बेगम है। सुरैया बेगम और आपकी डेट ऑफ बर्थ? 24 September 1985 आपका लकी डे है ईमान मेरी बहन। अगर आपके सिक्स हाउस को देखते हैं तो लास्ट बार 3 to 4 ईयर से प्रॉब्लम में चल रहा है आपके लिए मैं नौरतन सजेस्ट करूंगा जब स्पेसिफिकली बहुत काफ़ी लंबे अरसे से आप डिजीज़ को फेस कर रहे हो और सैटर्न प्रॉब्लम लास्ट बार 3 to 4 ईयर से कर रहा हो तो फिर आपको नौरतन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। स्पेसिफिकली जब आपके जायचे में कोई ऐसा हाउस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजिशन में हो तो फिर नौरतन मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए सजेस्ट करता हूँ जिनके बहुत ज़्यादा प्रपोजल बैक हो रहे हों या उनकी मैटर लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो या सेपरेशन डाइवोर्स की तरफ मामला जा रहे हों तो फिर आपको नौरतन बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। वेल वाइट चीज़ का सदका देना भी आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। इसके साथ साथ सूर्य निस्सा आयतल कुर्सी सूर्य यासीन की तिलावत करना आपके लिए बायसे बरकत होगा। ठीक है जी आप शामिल करेंगे मैसेज भी तो ये है सैयद हैदर मोहसिन नकवी साहब। इनकी वालदा का नाम है नसरीन फातिमा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16th of April 1988 और ये कह रहे हैं बिजनेस के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस करना कि यही वॉन्ट्स टू डू अ बिजनेस कि पार्टनरशिप सही रहेगी या फिर नहीं। सैयद हैदर मोहसिन नकवी माय डियर ब्रदर यू बिलोंग्स टू एरीज फायर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रहे हैं जिसे मुरीक बुर्ज हमल कहते हैं। ज़बरदस्त 9th and 10th हाउस की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बिजनेस के हवाले से गुड न्यूज़ है। 2018 बिजनेस का साल है आपके लिए जो भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह आपको इनिशियल शुरू में ही कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी लेकिन अगर आप एडवाइस लेकर चलते रहेंगे तो और ज़्यादा अपने कामों में आसानी पैदा कर सकते हैं। लियोस पाइसिस और सेजिटेरियस ये तीन स्टार से अगर आप एडवाइस लेके चलेंगे तो यकीनन आपका ये साल बहुत ही ज़बरदस्त होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुफीद रहेगा। सुर्ख याकूत आपका बर्थ स्टोन है। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य वाक्या की तिलावत करना आपके लिए बायस से बरकत होगा। ठीक है जनाब अब जानते हैं वाटर साइन पर्सनालिटी स्कॉर्पियो के हवाले से कि उनका दिन आज कैसा गुजरेगा और आया वो कैप्रिकॉर्न और पाइसेस की तरह लोगों को एडवाइस देने में कामयाब होंगे या नहीं या उनकी पर्सनालिटी किस कदर ब्राइट है। जी वेल स्कॉर्पियन वाटर साइन पर्सनालिटी जिसे मुरीख बुर्ज अक्रब कहते हैं इनका जोडिक साइन मार्स लकी नंबर 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे। पॉपुलैरिटी का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी द हाउस ऑफ लक द हाउस ऑफ एजुकेशन ये 4 हाउसेज इनके स्ट्रॉन्ग है। यकीनन 2018 में इनको शोहरत मिल रही है जिस फील्ड में भी है उसमें तरक्की मिल रही है प्रमोशन मिल रही है। रूहानी सफ़र का इरादा अगर इनका है तो इसी साल का सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर जून जुलाई अगस्त सेप्टंबर के महीने इनके लिए रूहानी सफ़र के हवाले से बहुत ही मुबारक रहेंगे। 10th हाउस की पोजिशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है अगर इस साल कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से तो इसमें वो फील्ड जिसमें इनको सडन कामयाबी मिल सकती है उसमें प्रॉपर्टी का क्लॉथ का गारमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्मेटिक्स का ये फील्ड इनके लिए अच्छी फील्ड साबित होंगी। येलो सफायर या फिर रेड की पहने
ٹائم کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اسکارپین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ مزمل کی اگر کنٹینیوسلی تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے کاموں میں اور آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ جی اب جانتے ہیں سیگیٹیریس جو کہ ہے فائر سائن پرسنالٹی کہ ان کا آج کا دن کیسا گزرے گا۔ فائر سائن پرسنالٹی سیگیٹیریس جسے مشتری برج کوس کہتے ہیں، ان کا زوڈک سائن جوپیٹر، ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسپیسیفک دا ہاؤس آف لائف آٹھواں گھر، لک اینڈ فرسٹ ہاؤس بہت زبردست ہے۔ 2018 ان کی زندگی میں خوشیوں کا سال ہوگا۔ سڈن کوئی بڑی امیزنگ ان کو گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پہ ایئر سائن پرسنالٹی میں لبرا اینڈ واٹر سائن پرسنالٹی میں پائسیس ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے ان کی پرسنالٹی سے انسپائر ہوں گے۔ وائٹ چیز کا صدقہ دینا ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ فیروزہ یا پھر مون اسٹون، دونوں میں سے کوئی بھی ایک اسٹون ویئر کریں ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ سورہ رحمان، سورہ نور، سورہ مومنون کی تلاوت کرنا ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، فائزہ عارف ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں آگے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کر پاؤں گی یا نہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہے بشرا بی بی اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 17th of August 1996۔ جی فائزہ، بائی نیم اینڈ بائی برتھ شی از فائر سائن، بائی نیم شی از سیجٹیریس اینڈ بائی برتھ شی از لیو۔ ویل اگر ہم ان کے زائشی کی پوزیشن دیکھتے ہیں، ان کا دا ہاؤس آف پاپولیرٹی، دا ہاؤس آف لک، قسمت اور پاپولیرٹی کا ہاؤس ان کا بہت اسٹرانگ ہے۔ انفارچونیٹلی ان کا ذرا تھوڑا سا تھرڈ ہاؤس ویک ہے، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے، کانسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ اگر میں مائنڈ کو جو بھی ادر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ڈائیورٹ کر رکھا ہے تو کانسنٹریشن میں آنا ہوگا ان کو، اور لگن، دل جمعی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کو مل جائیں گی۔ جون کے بعد کی ٹائمنگ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹائمنگ ہے۔ ریڈ چیز کا صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا۔ اپنے برتھ اسٹون کے ساتھ، یلو سفائر کے ساتھ، اگر آپ کیٹ سائے لیسینیا بھی پہن لیتی ہیں تو آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا۔ کنٹینیوسلی سورہ الحمنشرہ کی تلاوت کرنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، اب جانیں گے کیپریکون جو کہ ہے ارتھ سائن پرسنالٹی کے، ان کا آج کا دن کیسا گزرے گا۔ جی ویل انٹلیکچوئل پرسنالٹی کے لوگ ماشاء اللہ، کیپریکون میرے فیوریٹ ہیں ماشاء اللہ، کیونکہ یہ بھی بہت اچھی ایڈوائس دیتے ہیں، بہت ہی اپنے کام میں مگر رہنے والے، اور کام کے دوران اگر ان کو ڈسٹرب کیا جائے تو برا مانتے ہیں، اور ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور پاپولیرٹی حاصل کرتے ہیں۔ بہت اچھے ماشاء اللہ نامور شخصیت کے مالک بنتے ہیں۔ اگر ہم ان کے زوڈک سائن سیٹرن کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ویل ان کا لک ہاؤس بہت زبردست ہے۔ تھرڈ اینڈ فرسٹ ہاؤس، دا ہاؤس آف پرسنالٹی، لک ہاؤس، قسمت کا، تعلیم کا، 2018 ان کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ شہرت مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، بزنس کے حوالے سے اگر کوئی بڑا بزنس کرنے کا ارادہ رکھتے تو اس میں بھی ان کو ماشاء اللہ کامیابی مل رہی ہے۔ بلیک چیز کا صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا۔ بلو سفائر نیلم ان کا برتھ اسٹون ہے۔ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، جانیں گے پائسیس، کیونکہ شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو تھوڑا سا جو ہے آپ جلدی جلدی بتائیں کہ جی پائسیس کے بارے میں جو ہے وہ ان کا دن آج کیسے گزرے گا۔ ماشاءاللہ پائسیس زبردست واٹر سائن پرسنالٹی، دا ہاؤس آف لک، دا ہاؤس آف لائف، دا ہاؤس آف ایجوکیشن، سفر، تعلیم اور قسمت کا سال ہے ان کا 2018۔ ان کے لیے پاپولیرٹی کا سال ہے، اچھے لوگ ان کی زندگی میں آ رہے ہیں، اور ماشاء اللہ جو بھی یہ سفر کریں گے اس میں ان کو بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ سفید چیز کا صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا۔ لیپس جسے ہم لاجور کہتے ہیں، ان کا برتھ اسٹون ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی سورہ یاسین کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو ان کے کاموں میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری رہے گی۔ زبردست جناب، اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا جاتا ہے ہمارے، شکر رکھیے گا ہمیں دعاؤں میں یاد، اور اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔